Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme के लैपटॉप के लाइनअप के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइज, Realme का जो लैपटॉप है वो बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। माधव सेठ जो CEO है Realme के, उन्होंने जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट किया है और Realme के अकाउंट पे भी जो आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है ट्वीट किया गया है कि ये जो है वो एक नया लाइनअप आने वाला है लैपटॉप का, Realme के लैपटॉप का, नोटबुक का, और बहुत ही जल्द आपको वो जो है वो इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और ये जो है वो एक राइवल बनकर आएगा मी नोटबुक के साथ, जो है वो इसका राइवल रहेगा, क्योंकि ये जो है वो अंडर 50,000 में अपने लैपटॉप्स को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। आप ट्विटर पे देख सकते हैं, इन्होंने टीज भी कर दिया है और फर्स्ट लुक भी जो है वो निकल कर आ गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ऐसा बोला जा रहा है कि एप्पल के टक्कर का जो है वो ये लैपटॉप लाया जाएगा, काफ़ी स्लीक रहने वाला है और मेटालिक सिल्वर डिज़ाइन आपको जो है वो आपको मिल जाएगा, और मे बी आपको इसमें आपको विंडोज़ या क्रोमबुक OS वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाए, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना हो सकता है कि आपको कौन सा चाहिए। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे इसके लैपटॉप्स आने वाले हैं, बहुत सारे मॉडल नंबर जो है वो भी टीज़ किया गया है, तो मे बी 3-4 लैपटॉप्स जो है वो लाया जाए Realme की तरफ से एक ही साथ, और काफ़ी अच्छा जो है वो प्राइस पॉइंट भी रहने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि एक जो है वो कॉम्पिटेटिव प्राइस जो है वो लाने वाला है Realme, जो मार्केट के लैपटॉप के उस प्राइस सेगमेंट में जो अंडर 50,000 है उसको जो है वो ग्रैब कर सके। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें जो है आपको USB टाइप सी का भी जो है वो सपोर्ट मिलेगा चार्जिंग के लिए, तो वो आ जाए तो और बेहतरीन है कि लोग अपने पावर बैंक वगैरह से भी अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, बैकअप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं ये लैपटॉप अब कब आता है। ऐसे इसका प्राइस पॉइंट जो है वो रखा गया है अंडर 30-50,000 के अराउंड, तो देखते हैं कि इसका प्राइस क्या निकल कर आता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।